मेगा एग्जिट पोल की जो तस्वीर है वो उभर कर पूरी तरह से सामने आ चुकी है। लगातार हम आपको ग्राफिक्स की मदद से बता रहे हैं कितनी सीटों पर क्या तस्वीर उभर रही है। ग्राफिक्स के जरिए देखिए एक बार फिर तस्वीर 2019 जैसी ही नजर आ रही है। एग्जिट पोल में 355 से 370, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार 400 पार का नारा दे रहे थे और जब उनसे पूछा गया कि ऐसा कैसे संभव है 400 पार, उसके जवाब में वो ये कह रहे थे कि एनडीए अब भी 400 के आसपास ही है। एनडीए के तमाम जो घटक दल हैं उनके सांसदों को जोड़ दें तो संसद में अब भी 400 के आसपास ही एनडीए की संख्या हो जाती है, तो 400 पार का नारा कोई बहुत बड़ा नारा नहीं है, वो अचीव किया जा सकता है। लेकिन एग्जिट पोल में जो तस्वीर सामने आ रही है वो 355 से 370 के बीच दिख रही है एनडीए को। और रही बात विपक्षी गठबंधन की INDIA की, तो वहां 140 तक एग्जिट पोल में जाती हुई दिख रही है तस्वीर। तो कुछ और ग्राफिक्स जब आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए अपनी स्क्रीन पर किस तरीके से अलग अलग ग्राफिक्स और ये वोट परसेंटेज, वोट शेयर क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। 47% एनडीए इंडिया गठबंधन 33% और अदर्स 20%, 543 सीटों पर वोट शेयर हम आपको बता रहे हैं। तो एनडीए को 47% वोट जाते हुए दिख रहे हैं एग्जिट पोल के मुताबिक, 33% वोट INDIA को मिलते हुए दिख रहे हैं, 20% वोट अदर्स के खाते में। ये एग्जैक्ट पोल नहीं है, एग्जिट पोल है, सैंपल साइज हमारा 95,000 से ज्यादा है। अब एग्जैक्ट पोल के लिए 4 जून का हमें इंतजार करना होगा। धर्मेंद्र यादव जी के पास चलते हैं। धर्मेंद्र यादव जी, अब तस्वीर एग्जिट पोल की पूरी आपने देख ली, क्या कहेंगे आप, इंडिया गठबंधन वास्तविकता में इस एग्जिट पोल के साथ है? हमें जो 4 तारीख को इंडिया गठबंधन कम से कम 300 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत के साथ इस देश में नई सरकार का गठन करेगा, और वो सरकार इसलिए बन रही है क्योंकि इस देश में हमें लोकतंत्र की रक्षा करनी है, इस देश के संविधान को बचाना है, इस देश में हमें आरक्षण को बचाना है, और इस देश के पिछड़े दलित आदिवासी जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं उन्हें मुख्य धारा में ला करके इस देश को उन्नति और प्रगति के रास्ते पर ले जाना है। इसलिए 2024 का जो 4 तारीख का नतीजा आएगा उसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल नजर आएगी, आपको ये बात दिखाई देगी 4 तारीख। ठीक है, तो एक बार फिर से दावा यही है, एग्जिट पोल को नकार रहे हैं संजय जी भी हमारे साथ बने हुए। संजय जी, एग्जिट पोल अगर एग्जैक्ट होता है तो इसका अर्थ क्या निकाले? क्या विपक्ष का जो गठबंधन है वो कमजोर रहा या फिर बीजेपी की तैयारी ज्यादा मजबूत? देखिए, जहाँ तक हम चर्चा करते हैं इसी को मान लेते हैं कि रिजल्ट में तब्दील हो जाता है तो क्या है। देखिए, विपक्ष ने नो डाउट एक अच्छा मुद्दा, मैं कहूँगा एक अच्छा गठबंधन बनाने की कोशिश की, लेकिन गठबंधन कहीं तक ड्राइंग रूम तक सीमित रह गया और कप ऑफ कॉफ़ी तक ही रह गया, वो ग्राउंड तक नहीं आ पाया और कहीं ना कहीं वो अपने जो एजेंडा थे उसको जनता तक ले नहीं। बहुत महत्वपूर्ण बात संजय जी आप कह रहे हैं। जाहिर तौर पर गए एग्जिट पोल की जो फिगर्स थी, चाहे उत्तर प्रदेश की 80 सीटों की बात हो चाहे देश में 543 सीटों की हो, ये लगातार हमने आपके सामने रखी।